होते हैं पेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे कि पेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि वर्निशेस क्या होते हैं और पिगमेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पेंट्स, कि पेंट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो डिफरेंट तरह के जो पेंट्स होते हैं, जिस तरह कि आपके पास रेड पेंट है या ब्लू पेंट है या हमारे पास व्हाइट पेंट्स हुआ करते हैं, तो ये सारे सारे हम पेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये है कि हमारे पास पेंट्स क्या है, तो याद रखिएगा पेंट्स हमारे पास ये बेसिकली मिक्सचर हुआ करते हैं, और किस चीज का मिक्सचर है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के हमारे पास जो पेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर हुआ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास पेंट्स जो हैं दीज आर यूज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ, सो पेंट्स आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड वी नो दैट पेंट्स आर यूज्ड फॉर द डेकोरेशन पर्पस एंड फॉर प्रोटेक्शन। और हम क्या करते हैं, हम किसी भी सरफेस को माहौलियाती आलूदगी से और इस तरह माहौलियाती असरात से बचाने के लिए हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो हमारे पास पेंट्स कहलाते हैं। मतलब क्या है, पेंट्स हमारे पास वो मटेरियल है जो हम किसी भी उसी सरफेस की डेकोरेशन के लिए और उसको हम एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे हमारे पास वो कंपाउंड मिक्सर यूज करते हैं वो सारे पेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और साथ अगर हम देखें कि हमारे पास के अहम बात यह है कि पेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि अगर हम पेंट्स को बनाना चाहते हैं तो पेंट्स को बनाने के लिए हमारे पास बच्चों तकरीबन पांच तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स हुआ करते हैं, पांच मुख्तलिफ अशियां आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद जो चीज हमें हासिल होती है वो पेंट होता है। इसमें हमारे पास जो पहली चीज आपको पेंट्स बनाने के लिए चाहिए वो हमारे पास है पिगमेंट्स, कि आपको पिगमेंट्स चाहिए होते हैं पेंट्स बनाने के लिए। सेकेंडली हमें चाहिए होता है मीडियम, थर्डली हमें चाहिए होता है ड्रायर, इसके बाद हमें चाहिए होता है थिनर, और हमें चाहिए होता है फिलर। ये हमें पांच चीजें किसी भी पेंट को बनाने के लिए चाहिए होती हैं, पिगमेंट्स, मीडियम, ड्रायर, थिनर और हमें फिलर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें ये कि हमारे पास डिफरेंट तरह के पेंट्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं जी हमारे पास इस तरह सफेदा भी एक पेंट है, या हमारे पास येलो पेंट्स होते हैं, या हमारे पास रेड पेंट्स हुआ करते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास जो पेंट्स हैं उनके अंदर हम किस किस तरह के पिगमेंट्स यूज कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिए हमारे पास पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स भी ऑर्गेनिक और या हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम पहली बात है कि पिगमेंट है क्या, पेंट के अंदर जो कलरिंग मटेरियल होता है वो पिगमेंट कहलाता है। मीन पेंट को जो भी मतलब हम कहते हैं हमारे पास ये पेंट क्या है, ये व्हाइट पेंट है या ये रेड पेंट है, तो जो जो चीज उसको वो कलर दे रही होती है दैट इज कॉल्ड एज पिगमेंट, वो पिगमेंट हुआ करता है, ठीक है। और जो चीज उसको कलर दे रही है वो ऑर्गेनिक चीज भी हो सकती है और वो इनऑर्गेनिक चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट इनऑर्गेनिक जो पिगमेंट्स हैं उनकी बात की गई है, जिनमें हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास पहला जो पिगमेंट है दैट इज व्हाइट पेंट। हमारे पास जो व्हाइट पेंट हुआ करते हैं उसमें हमारे पास कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स हमारे पास वो हुआ करते हैं लेड हाइड्रोक्साइड और हमारे पास लेड कार्बोनेट हुआ करता है। दो मोल हम उसमें लेड कार्बोनेट मिक्स करते हैं, ये मिक्सर जो है ये हमारे सफेदा बनाता है। ये हम जो वो पेंट जिसको सफेदा बोलते हैं ना वो इस चीज का मिक्सर, उसमें जो कलरिंग मटेरियल है वो इसका हुआ करता है। सेकेंडली हम जानते हैं हमारे पास हुआ करते हैं रेड पेंट्स हुआ करते हैं या रेड पिगमेंट कह लें आप लोग, ठीक है। रेड हमारे पास कौन सा हुआ करता है, जिसको हम लोग संदूर का नाम दिया करते हैं, जो संदूर लगाते हैं ना बेसिकली वो रेड पिगमेंट हुआ करता है।
और होता क्या है वो हमारे पास हुआ करते हैं क्लम्बिक ऑक्साइड PB3O4। ये व्हाइट कलर का हुआ करता है पेंट और ये हमारे पास रेड हुआ करता है। इस तरह हमारे पास येलो क्रोम हुआ करता है और हमारे पास रेड क्रोम हुआ करता है। इस तरह हमारे पास लिथोफीन भी हुआ करता है। ये डिफरेंट तरह के हमारे पास पिगमेंट्स हुआ करते हैं, ठीक है ना। अब येलो क्रोम ये हमारे पास येलो कलर का हुआ करता है और ये हमारे पास रेड हुआ करता है और ये वाला व्हाइट हुआ करता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पेंट है उसको अगर आप येलो कलर देना है तो हम उसमें येलो क्रोम यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह अगर रेड कलर देना है तो हम उसमें रेड क्रोम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट है वो पिगमेंट्स हैं जो किसी भी पेंट के अंदर जो हम उसमें एज अ कलरिंग मटीरियल यूज करते हैं वो हमने यहाँ पर बात की। नेक्स्ट आते हैं कि मीडियम क्या है। मीडियम को हम दूसरे अल्फाज में व्हीकल का नाम भी दिया करते हैं, ठीक है नी। तो व्हीकल हमारे पास क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास है ये आपका वो मटेरियल है कि जिसने करना क्या होता है कि जिसने एक तो हमारे पास जो आपका जो भी पेंट है अब जब के पेंट करने के बाद क्या होता है हम देखते हैं वह पेंट कुछ देर के बाद खुश्क हो जाता है। तो जो चीज हमारे पास उस पेंट को खुश्क कर रही है जो चीज उसको वहां पर हार्ड कर रही है दैट इज कॉल्ड एज मीडियम। वो मीडियम कहलाया करता है। और हमारे वहां अमूमी तौर पे हम लोग लिनसीड ऑयल यूज किया करते हैं। लिनसीड ऑयल जो है ना ये हम अमूमी तौर पे हम लोग एज अ व्हीकल या एज अ मीडियम यूज करते हैं। जो क्या होता है ये बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडाइज होकर ना, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज होकर एक हार्ड मटीरियल बन जाता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे पास पेंट जो है वो आजकल खुश भी हो जाते हैं। खुश होने के बाद वो दीवार के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज उनको हार्ड कर रही है वो हमारे पास मीडियम या व्हीकल हुआ करता है। और व्हीकल क्या है हमारे पास लिनसीड ऑयल हुआ करता है। बेसिकली हमारे पास ये एक ऑयल ही है, ठीक है, जिसको हम अलसी का तेल बोला करते हैं, ठीक है। तो सेकंडली हमारे पास क्या है कि ड्रायर क्या है। याद रखिए हमारे पास के ड्रायर क्या है। ड्रायर दीज आर बेसिकली ऑक्सीजन कैरियर। ये हमारे पास ऑक्सीजन कैरियर हुआ करते हैं। अब ऑक्सीजन कैरियर क्या है हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लिनसीड ऑयल है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो चीज इस मीडियम को ऑक्सीडाइज कर रही है दैट इज योर ड्रायर। वो हमारा ड्रायर है। ड्रायर क्या कर रहा है? ड्रायर के पास की ऑक्सीजन मौजूद है वो क्या करेगा वो मीडियम को ऑक्सीजन देगा और मीडियम क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मालूम हुआ जो चीज इस मीडियम को ऑक्सीडाइज कर मीन इस लिनसीड ऑयल को जिस चीज ने ऑक्सीडाइज करना है वो हमारा क्या है हमारा ड्रायर है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है ये हमारे पास ऑक्सीजन कैरियर होते हैं जो कि क्या करते हैं जो हमारे मीडियम को या तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं या ये क्या कर देते हैं या ये पॉलीमराइज कर देते हैं। चीज हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाए या वो पॉलीमराइज हो जाए तो वो हार्ड हो जाते हैं। मतलब ये है कि आपका जो मीडियम है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है वो पॉलीमराइज। हम जानते हैं अगर चीज पॉलीमराइज फॉर्म में आ जाए तो वो चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह इस मीडियम को ऑक्सीडाइज करना है या हमने इसको पॉलीमराइज करना है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग ड्रायर यूज करते हैं। और हम ड्रायर के तौर पर अमूमी तौर पर हम जो जो हम मटीरियल यूज करते हैं वो हमारे पास अमूमी तौर पर ऑक्साइड्स ऑफ मैगनीज हो सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कोबाल्ट हो सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ निकल हो सकते हैं। मीन मैगनीज कोबाल्ट और निकल के ऑक्साइड्स वगैरह हम अमूमी तौर पे क्या करते हैं ड्रायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे बच्चों हमारे पास के व्हाट इज थिनर। के थिनर क्या है याद रखिए अगर थिनर बेसिकली ये हमारे पास वो मटेरियल है जिसने आपके पेंट को थिन करना होता है ताकि हम उसको आसानी से हम यूज कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं अगर ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो हम उसको यूज नहीं कर सकते और हम अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि हम उसको मतलब कि ऑलरेडी थिन होता है हम उसको मजीद थिन करते हैं ताकि हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह जो चीज उसको वहां थिन कर रही होती है दैट इज कॉल्ड एज थिनर। और हम अमूमी तौर पर टर्पेंटाइन ऑयल जो कि हमारे पास टारपीन का तेल कहलाता है जो हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल बोला करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। ये ऑयल हम यूज करते हैं अमूमी तौर पर क्या करने के लिए
पेंट्स को थिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन हम कह सकते हैं कि टर्पेंटाइन ऑयल जो है ये बेसिकली हमारा एक थिनर वर्क करता है पेंट्स के अंदर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आखिरी इसमें आ रहा है फिलर के। फिलर क्या है? फिलर याद रखिएगा, ये हमारे पास ऐसे मटेरियल हुआ करते हैं जो हम पेंट्स में ऐड करते हैं ताकि इस तरह हमारे क्या करते हैं हमारे यहाँ के हम जा रहे होते हैं, हम अगर हम कोई चीज बना रहे हैं इस तरह हम लोग सागल बना रहे हैं तो सागल बनाने के लिए क्या करते हैं हम उसमें थोड़ा पानी ज्यादा ऐड कर देते हैं ताकि उससे क्या हो ताकि उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है ना। तो इस तरह अब हम ये क्या कर हम जा रहे होते हैं कि जो पेंट्स हैं पेंट्स की क्वालिटी को खराब किए बगैर इनकी क्वालिटी को चेंज किए बगैर हम क्या करते हैं हम जब इसकी जब क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें जो मटेरियल ऐड करता है हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास पेंट्स जो है वो हमें ज्यादा हासिल हो। ठीक है ना। हम उसमें क्या ऐड करते हैं फिर उसमें फिर हम फिलर ऐड करते हैं और फिलर हमारे पास क्या होता है उम्मीद तौर पर आप लोग लाइमस्टोन यूज कर सकते हैं फिलर के तौर पर या हम लोग जिप्सम वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिप्सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग लाइमस्टोन वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे पास सारे सारे फिलर और कौन कौन से फिलर यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग लाइमस्टोन और दूसरा क्या है लाइमस्टोन भी हम लोग यूज करते हैं फिलर के तौर पे और हम लोग जिप्सम भी एज अ फिलर इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है। मतलब इस तरह इन तमाम अशिया का मिक्सर जो है वो हमारे पास पेंट कहलाता है।